गंदे पानी के बीच एक मिनट भी रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता। बीमारी का डर भी बना रहता है। लेकिन एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां लोग पिछले कई महीनों से गंदे बदबूदार पानी के बीच नार के जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। मामला हरियाणा के चरखी दात्री के रविदास मोहल्ले का है, जहां कई महीनों से लोगों की गंदे पानी से होकर गुजरना मजबूरी बन गई है। हालत ऐसी है कि यहाँ के लोगों ने पलायन करने का मन बना लिया है। बता दें कि चरखी दादरी का रविदास मोहल्ला क्षेत्र में पिछले कई महीनों से लोगों के घरों से लेकर सड़क तक सीवर का गंदा पानी बह रहा है। इसकी वजह से हर रोज स्थानीय लोगों को इसी गंदे पानी में गुजरना पड़ता है। हालांकि सरकार की ओर से योजनाएं बनाकर लोगों को सुविधाएं देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी योजनाएं धरातल पर कितनी उतर रही हैं? यहाँ के लोग गंदे बदबूदार पानी के बीच नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। मोहल्ले की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बाढ़ का पानी जमा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि यहाँ सीवर का बदबूदार गंदा पानी का भराव है। स्थानीय निवासी विक्की बंजारा व मीना देवी ने कहा कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, रात के अंधेरे में घरों से निकलना दूभर हो गया है। यहाँ के बने हालत को लेकर स्थानीय निवासियों ने पलायन करने का मन बना लिया है। बंजारा कॉलोनी जी, और एक साल से बहुत परेशान है, बच्चे बीमार पड़े हैं जी, ना निकलने जाने का रास्ता है। हम तो जी मजबूर हो रहे हैं, किराए पर रहने लग जाऊंगे। इस तरह बढ़िया जी सतपाल सांगवान ने मतलब दो दिन का वो दिया, दो दिन में करवा देंगे, नहीं तो हम धरने बैठे सतपाल सांगवान के साथ रहे। हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस मोहल्ला में, ना तो हम रोटी खाने के लिए रहे, ना और कुछ निकलने लिए रास्ता बंद है बिल्कुल। अरे मारा मजदूरी करा हाँ, अरे काम धंधा करा हाँ, यो भी मारा बहुत ठप हो रहा है। मारा आदमी लगा हो बेचारा रेडी मजदूरी करा, वो भी रेडी पानी गंदा पानी में निकल है जी। किराए पर ले बढ़िया, अरे इतने मजदूरी करा, अरे किराया भी मार सकून पट्टा कहाँ से देंगे किराया। दो दिन नहीं समाधान हो ना, हम उस पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे जी। यहाँ की हालत का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मंत्री व जसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान ने सरकार व प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अधिकारी कार्य करते नहीं हैं। हालात को देखकर लोगों के साथ धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। मैं तकरीबन 26 साल से राजनीति में, पर मैंने इतना जो अब के जो बुरा हाल देखा है ना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पता नहीं ये जनता कैसे जी रही है, भगवान के सहारे जी रही है, सरकार के सहारे कुछ नहीं हो रहा। ये पानी है गंदा पानी, नालों का पानी सारी खेत तक भरा हुआ है और लोग फिर भी जी रहे हैं, क्या करें, मजबूर हैं। तो मैंने आज उसको एक्शन, यहाँ कोई नया एक्शन है, नया SDO है। अब गलती से हमारे जलाल साहब का भी से भी बात हो गई थी टेलीफोन पर, उससे भी मैंने रिक्वेस्ट करी है, अरे कर लो कि मैं दादरी भी हिस्सा है हरियाणा का, कोई बात नहीं करो, कुछ सोचो इस बारे में, नहीं तो जनता मर जाएगी, कितने दिन जिएगी इस गंदे पानी। तो यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। उन्होंने कहा कि शायद सरकार इस क्षेत्र का विकास करवाना नहीं चाहती, धरातल पर बने हालात को देखने कोई जनप्रतिनिधि और अधिकारी नहीं आते, यहाँ के हालात देखकर रोना आता है।